सर्दी के मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने जिला के सभी रैन बसेरों को सक्रिय कर दिया है। जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने बताया कि महानगर में 13 रैन बसेरे सहित कुल 22 रैन बसेरे सक्रिय हैं। सभी रैन बसेरों के में साफ सफाई, रजाई, कंबल, शुद्ध पेयजल, बिजली सहित सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो उसमें रात गुजार सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोशिश यही रहेगी कि किसी भी व्यक्ति को ठंड से मरने नहीं दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कहा, बसेरे की तैयारी हम लोग 1 नवंबर से ही तो शुरू कर दी है। जैसे शहर के अंदर 13 रैन बसेरे नगर निगम के माध्यम से चलाया जाएगा, उसके अलावा जो नगर निकाय में 9 नगर निकाय में एक एक रैन बसेरे चलाया जाएगा। टोटल 22 रैन बसेरा तैयार है हमारा, और इसका 50 से लेके कहीं तो 100 तक का क्षमता है। और सारी सुविधा अंदर अवेलेबल है, सेफ्टी लॉकर का सुविधा है, शौचालय का सुविधा है, पीने के पानी का सुविधा है, और कंबल का भी सुविधा अवेलेबल है। और कितने लोग, खासतौर पे जो बिगर लोग हैं जो बाहर सोते हैं और किसी के घर नहीं और किसी के वजह यहाँ छूट गए, उसी टाइप के लोग का हम लोग यहाँ बसाएंगे। और इस बार तो ज़रूरत पड़ेगा, ज़्यादा संख्या में आते तो कुछ लोग का कोरोना जांच भी कराएंगे, ताकि ऐसे नहीं हो कोरोना भी इसके साथ फैलने के लिए एक आशंका रहता है, डर रहता है। और बाकी आपको भी कहीं इसी टाइप के लोग मिलते हैं, यानी जो छतर छाया नहीं है किसी का, जाने में परेशानी में कोई है, तो फिर ज़रूर इसी का डिटेल आपके चैनल में भी डाल दीजिएगा कॉन्टैक्ट नंबर, और नज़दीकी थाना क्षेत्र में भी पता है, और डायल 112 को भी ये सूचना अवेलेबल है। यानी किसी का भी जो आपका सहायता केंद्र में पहुंचाना है, यानी जो रेन बसेरा पहुंचाना है, 112 लगाएंगे, वो बता देंगे कहाँ है नज़दीकी वाले। और उसके अलावा जो हर जगह शेयर कर रखा है हम लोग, और नज़दीकी क्षेत्र पर जा कर के इस मौसम पर किसी को मरने नहीं देना है ठंडी की वजह, उसी दिशा पर हम लोग काम।